नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया के विवाद के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने डो टुक कहा है कि वे अपने बच्चों के मुद्दे मिलजुल कर सॉल्व करें। जी हां, आपको बता दें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी के बीच काफी समय से अनबन की खबरें सुर्खियों में हैं। इस बीच एक्टर ने कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने दो बच्चों, एक 12 साल की बेटी और एक 7 साल का बेटा की जगह के बारे में पता लगाने की मांग की थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दोनों बच्चे उनकी अलग रह रही पत्नी की कस्टडी में हैं। वहीं अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों से संबंधित मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा ले। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एक दूसरे के साथ बात करें वे दोनों, और पिता और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन और मुलाकात के अधिकारों को व्यवस्थित करें। अगर इस पर काम किया जा सकता है तो अच्छा है। मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाएं, मुद्दों को सुलझाएं। अदालती कार्रवाई के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील प्रदीप थोराट ने भी जजों की बेंच को इन्फॉर्म किया है कि नवाज को यही लग रहा था कि उनके बच्चे दुबई में हैं, लेकिन उन्हें हाल ही में उनके स्कूल से एक मेल मिला है जिसमें दावा किया गया है कि उनके बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। वहीं अब नवाज की पत्नी आलिया सिद्दीकी के वकील ने इस बारे में पूछा है तो उन्होंने क्लियर किया है कि बच्चे अपनी माँ के साथ हैं और वे उन्हें छोड़कर दुबई नहीं जाना चाहते हैं। वकील ने कहा है कि वे यहां अपनी एजुकेशन जारी रखना चाहते हैं। पीठ ने इसके बाद नवाज की अलग रह रही पत्नी आलिया से अगले हफ्ते तक बच्चों की एजुकेशन के संबंध में क्या फैसला किया गया है इसे लेकर कोर्ट को इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया है। अदालत ने कहा है कि हम केवल यह जानना चाहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं हो रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बच्चों के रहने की जगह और स्कूली शिक्षा को लेकर परेशान है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया के विवाद के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने डो टुक कहा है कि वे अपने बच्चों के मुद्दे मिलजुल कर सॉल्व करें। जी हां, आपको बता दें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी के बीच काफी समय से अनबन की खबरें सुर्खियों में हैं। इस बीच एक्टर ने कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने दो बच्चों, एक 12 साल की बेटी और एक 7 साल का बेटा की जगह के बारे में पता लगाने की मांग की थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दोनों बच्चे उनकी अलग रह रही पत्नी की कस्टडी में हैं। वहीं अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों से संबंधित मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा ले। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एक दूसरे के साथ बात करें वे दोनों, और पिता और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन और मुलाकात के अधिकारों को व्यवस्थित करें। अगर इस पर काम किया जा सकता है तो अच्छा है। मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाएं, मुद्दों को सुलझाएं। अदालती कार्रवाई के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील प्रदीप थोराट ने भी जजों की बेंच को इन्फॉर्म किया है कि नवाज को यही लग रहा था कि उनके बच्चे दुबई में हैं, लेकिन उन्हें हाल ही में उनके स्कूल से एक मेल मिला है जिसमें दावा किया गया है कि उनके बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। वहीं अब नवाज की पत्नी आलिया सिद्दीकी के वकील ने इस बारे में पूछा है तो उन्होंने क्लियर किया है कि बच्चे अपनी माँ के साथ हैं और वे उन्हें छोड़कर दुबई नहीं जाना चाहते हैं। वकील ने कहा है कि वे यहां अपनी एजुकेशन जारी रखना चाहते हैं। पीठ ने इसके बाद नवाज की अलग रह रही पत्नी आलिया से अगले हफ्ते तक बच्चों की एजुकेशन के संबंध में क्या फैसला किया गया है इसे लेकर कोर्ट को इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया है। अदालत ने कहा है कि हम केवल यह जानना चाहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं हो रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बच्चों के रहने की जगह और स्कूली शिक्षा को लेकर परेशान है।